एक तरफ देश में अस्पतालों की कमी हो रही है तो वहीं अब आम लोग मदद के लिए सामने आ रहे हैं। आम लोगों के सहयोग से कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं, जो एक अच्छी बात, एक पॉजिटिव खबर है। कोरोना के खिलाफ मुहिम में हर कोई एकजुट हो रहा है और इसकी मिसाल है इंदौर का ये कोविड केयर सेंटर। ये कोविड केयर सेंटर बिना किसी सरकारी सहयोग के बना है। इसमें आम लोगों के साथ साथ व्यापारियों ने बड़ी मदद की है। बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और जनरेटर सब कुछ आम लोगों के सहयोग से बना है। अभी यहाँ 500 बेड लगाए गए हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से 7000 बेड लगाए जा सकते हैं। इस कोविड सेंटर में न सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, बल्कि रेमडेसिविर इंजेक्शन भी यहाँ लगाया जा सकता है। यहाँ ऑक्सीजन का प्लांट भी लगाया जा रहा है। जो भी इसमें वैसे अगर टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रेमडेसिविर भी इंजेक्ट करने का प्लान कर रहे हैं, डॉक्टर्स का जो मत है इसमें, और उसकी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। उसके साथ जो प्रिकॉशन प्रोटोकॉल्स रहते हैं वो भी पूरा फॉलो कर रहे हैं। वडोदरा की जहांगीरपुरा मस्जिद को एक कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर 50 बेड ऑक्सीजन के साथ उपलब्ध करवाए गए हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी वडोदरा में है और तस्वीरें किसी अस्पताल की नहीं है, बल्कि यहाँ के जहांगीरपुरा मस्जिद की है, जिसको आप देखिए किस तरह से अब आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया है। ये तमाम लोग जो हैं वो कोरोना के मरीज हैं, अपना यहाँ पर इलाज करा रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।